वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा से निकलकर सामने आ रही है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा मैथमेटिक्स का पेपर लीक होने की खबर है। तो सवाल ये कि क्या हो रहा है बिहार में, क्या बिना प्रश्न पत्र के लीक हुए कोई भी परीक्षा बिहार में संपादित कराना नामुमकिन हो चुका है? क्या तमाम दावे और वादों की पोल हर बार खुलना जो है कि ये संकेत देता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार में शिक्षा विभाग किस प्रकार का काम कर रहा है? देखिए, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। वायरल होने की जानकारी मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। लगभग इस साल 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद की चिंता बढ़ गई है, छात्रों की चिंता भी बढ़ गई है। जो जानकारी मिली है, 12वीं क्लास की एग्जाम शुरू होने से पहले ही छात्रों तक व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंच चुके थे। एग्जाम से ठीक आधे घंटे पहले हो गया। एग्जाम की शुरुआत 9:30 बजे सुबह हुई, लेकिन आधे घंटे पहले यानी कि 9 बजे से ही व्हाट्सएप ग्रुप में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ। अब क्या सच में प्रश्न पत्र जो है लीक हो गया है? एक बार मैथमेटिक्स का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाल दी गई, लेकिन यह खबर बिल्कुल अफवाह निकली। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मैथमेटिक्स का पेपर देकर के जब छात्र बाहर निकल रहे थे राजधानी पटना में भी, अन्य जिलों में भी, तो इन्होंने साफ बताया कि प्रश्न पत्र बहुत बेहतरीन था, परीक्षा अच्छे से गया, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि किसी प्रकार का पेपर लीक हुआ होगा, क्योंकि परीक्षार्थियों का साफ कहना है कि जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, कुछ परीक्षार्थी तो यह भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जब हमने खबर दिखाई तो यह भी कहा जाने लगा कि यह पिछले साल का है जो वायरल किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको यह बता दे कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। यह खबर महज एक अफवाह निकली।